हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामेस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से और उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यह हथेली है काफ़ी स्क्वायरिश शेप में है, आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ करके। तो यहाँ पर स्क्वायरिश हैंड नज़र आ रहा है जो बहुत ही मेहनती नेचर को शो करता है। और उसके बाद अगर फिंगर्स को देखा जाए तो अच्छी लेंथ में है, यहाँ पर मीडियम साइज फिंगर्स हैं और साथ ही साथ फिंगर्स की लेंथ के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी सारी सीधी रेखाएँ मैं इनकी फिंगर्स के ऊपर देख पा रहा हूँ जो काफ़ी फ्रेंडली नेचर को शो करती हैं। और फिंगर्स के बीच में गैप है, यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ करके, जो गैप यहाँ पर शो हो रहा है कुछ इस जगह पर कुछ गैप होना। और दूसरा यहाँ पर इनकी जो माइंड की लाइन है और इनकी लाइफ लाइन है, इसमें भी अर्ली एज से ही यहाँ पर डिस्टेंस बनना शो करता है काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर को, थोड़ी सी ज़िद्दी स्वभाव को। और एक तरह से यह लव मैरिज का साइन भी माना जाता है जब कुछ इस तरह का गैप फिंगर इन दोनों फिंगर्स के बीच में और यहाँ दोनों लाइंस के बीच में गैप हो, और साथ ही साथ यहाँ पर जो इनका लाइन है फेट लाइन है इसमें कोई लाइन आकर जुड़ती हो, इनकी जो फेट लाइन है इसमें कोई चंद्रमा की तरफ से आकर कोई लाइन जब जुड़ रही हो तो इसको एक लव मैरिज का साइन भी माना जाता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का एक जो वाई बनता है, उल्टा वाई, इसको हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक लव मैरिज के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी फिंगर्स की लेंथ में, यहाँ पर बृहस्पति फिंगर की जो लेंथ है वह काफ़ी अच्छी लेंथ है और लगभग इनके जो मध्यमा फिंगर के टॉप तक ही पहुँची दिखाई दे रही है। थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों फिंगर्स के बीच में। तो यहाँ पर इस फिंगर का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना और माउंट का भी यहाँ पर प्रोमिनेंट होना शो करता है काफ़ी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को, और साथ ही साथ इस नॉलेज के साथ कुछ हद तक ईगो कंटेंट भी व्यक्ति के अंदर रहता है जिनका बृहस्पति माउंट काफ़ी प्रोमिनेंट हो और साथ ही साथ बृहस्पति फिंगर की लेंथ काफ़ी अच्छी हो, स्ट्रेट फिंगर हो, तो थोड़ी सी ईगो भी स्वभाव में रह सकती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर शनि फिंगर को अगर देखा जाए तो शनि की लेंथ काफ़ी अच्छी है, स्क्वायरिश हैंड है, मेहनती नेचर भी काफ़ी अच्छी रहेगी इनकी, और अपनी मेहनत की वजह से ही लाइफ में काफ़ी प्रोग्रेस भी ये कर पाएंगे। और अगर सूर्य फिंगर को देखा जाए तो थोड़ी शॉर्ट हो रही है यहाँ पर इन फिंगर्स के मुकाबले, थोड़ा साइज़ कम है, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ थोड़ी सी कम रह जाती हैं, ज़्यादा क्वालिटीज़ इनके अंदर बृहस्पति वाली रहेंगी, नॉलेज गेन करने की डिज़ायर रहेगी, लीडरशिप क्वालिटीज़ रहेंगी, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ में थोड़ी सी कमी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। और अगर इनकी मर्करी फिंगर की बात की जाए तो मर्करी फिंगर यहाँ पर फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रही है तो अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को शो करती है। तो यहाँ पर हमने फिंगर्स को देखा, काफ़ी स्ट्रांग फिंगर्स हैं इनकी, थोड़ी सी ज़िद्दी नेचर रह सकती है और थोड़ी सी पॉइंटेड फिंगर्स हैं आगे से जो यह भी शो करती हैं कि काफ़ी एनालिसिस करने का इनको शौक रहेगा, पूरा एनालिसिस करेंगे कोई भी काम करने से पहले उसको पूरी तरह से उसकी जांच पड़ताल करना इनकी हैबिट रह सकती है। आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं फिंगर्स की सेटिंग को। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की लाइन जो है वो बनकर सामने आएगी, कुछ ऐसी लाइन जो शो करती है कि सारे माउंट्स यहाँ पर काफ़ी अच्छी सेटिंग में है, हाई सेट है, एक अच्छा आर्च बन रहा है, कोई भी माउंट यहाँ पर लो सेट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन सारे माउंट्स को देखेंगे उसके बाद लाइंस को भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो बृहस्पति की बात कर लेते हैं, तो बृहस्पति माउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी हाई सेट और उभरा हुआ माउंट है जिसकी वजह से काफ़ी बृहस्पति की तरफ से मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं व्यक्ति को मिलते हैं। यहाँ पर एक हल्की लाइन भी मैं बृहस्पति माउंट के ऊपर जिसको हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं जाती हुई देख पा रहा हूँ, बहुत ही हल्की लाइन है यहाँ से, लेकिन इस तरह की लाइन ऊपर की तरफ जलना लाइफ में प्रोग्रेस दिलवाती है। तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस लाइफ में
रहने वाली है, धन की कमी इनको नहीं होगी कभी भी, क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छा माउंट बृहस्पति का मैं देख पा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं शनि माउंट को। शनि माउंट यहाँ पर काफी हाई सेट है, काफी स्पेस शनि माउंट को यहाँ पर मिल पा रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो सैटर्न लाइन है जो वह थोड़ी सी मुझे 36 की एज तक पहुंचती दिखाई दे रही है, उसके बाद कुछ जो सैटर्न लाइन है यहाँ पर वीक होती नजर आ रही है। तो इस एज के बाद ऐसा नहीं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर इनकम के सोर्सेस कम हो जाएंगे, यहाँ पर यह हो सकता है थोड़ी सी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पर लाइन फिर भी ओवरलैप होकर आगे चलती दिखाई दे रही है। लाइफ में पैसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं रहने वाली, लेकिन फिर भी 36 के आसपास की एज में यहाँ पर कुछ इस तरह की चेंज जो शो हो रही है, यह शो करती है कि इस एज के बाद थोड़ी स्ट्रगल लाइफ में बढ़ सकती है, और जो कंफर्ट्स हैं, जो अभी की लाइफ में इनके कंफर्ट्स हैं पैसे से रिलेटेड, फाइनेंसिस से रिलेटेड, वो कुछ कम हो सकते हैं 36 के बाद की एज में। और वैसे यहाँ पर ओवरलैपिंग के साथ एक और लाइन चलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी यहाँ पर थोड़ी सी कमी इसकी वजह से यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। और आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं सूर्य माउंट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य माउंट पर यहाँ पर एक सीधी रेखा के साथ साथ फिश जैसा सिंबल भी बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा, ड्रॉ करके कुछ इस तरह का सिंबल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसी लाइंस के साथ जिसको हम यहाँ पर फिश की तरह कंसीडर करते हैं, कुछ इस तरह का सिंबल यहाँ पर बनना एक बहुत ही अच्छा चिन्ह है जो यहाँ पर इनको नेम एंड फेम दिलवा सकता है। 40+ की एज में चलकर यह जो चिन्ह होते हैं इस तरह के फिश का बनना, यह व्यक्ति को काफ़ी बेनिफिट्स दे सकता है। तो यहाँ पर इस तरह की संभावना भी देखने को मिल रही है कि 40+ की एज में चलकर इस तरह के चिन्ह का इनको अचानक से इफेक्ट नज़र आ सकता है। आगे देखते हैं मरकरी माउंट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मरकरी माउंट के ऊपर यहाँ पर एक तो कुछ हल्की लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी, और दूसरा मरकरी जो है यहाँ पर एवरेज नज़र आ रहा है। हल्की लाइंस जो खड़ी रेखाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, यह इनकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स को शो करती हैं, और कैलिबर टू कम्युनिकेट, और उसके साथ साथ यहाँ पर अच्छी कैलकुलेशंस की जो क्षमता रहती है व्यक्ति के अंदर वो भी स्ट्रांग रहती है जब उभरा हुआ मरकरी नज़र आ रहा। तो यहाँ पर मरकरी माउंट भी मुझे अच्छे रिजल्ट देने वाला दिखाई दे रहा है। आगे चेक करते हैं यहाँ पर इनके जो लाइन है हार्ट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन यहाँ पर काफ़ी क्लियर है और अच्छे कर्व के साथ दिखाई दे रही है। थोड़ी इमोशनल नेचर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हल्का सा जो चिन्ह गर्डल ऑफ वीनस का भी दिखाई दे रहा है। आप अगर ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर हल्का सा चिन्ह जो गर्डल ऑफ वीनस का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी मूड स्विंग जैसी दिक्कत रह सकती है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आइलैंड की फॉर्मेशन होती हुई जो हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, कुछ इस तरह की आइलैंड की फॉर्मेशन यहाँ पर 55 के अराउंड एज में इनको प्रॉब्लम्स दे सकती हैं, हार्ट रिलेटेड कोई दिक्कत दे सकती है। अदरवाइज जो इनकी लाइन है यहाँ पर हार्ट की थोड़े कर्व के साथ है, थोड़ी इमोशनल नेचर रहेगी, और इस लाइन की एक ब्रांच का मंगल एरिया तक पहुँचना यहाँ से मांगलिक दोष को भी शो करता है। अग्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है व्यक्ति के अंदर जब हार्ट की लाइन का कनेक्शन इनर मार्स से होता है, तो कुछ थोड़ा सा गुस्से वाला स्वभाव भी व्यक्ति का हो सकता है। उसके बाद आगे चेक करते हैं यहाँ पर इनकी माइंड की लाइन को। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर माइंड की लाइन और हार्ट की लाइन दोनों को ही कुछ स्ट्रेस लाइंस काटती हुई नजर आ रही हैं। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो कुछ लाइंस हैं जो दोनों लाइंस को इफेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेस लाइंस, हल्की स्ट्रेस लाइंस हैं जो डिससेटिस्फैक्शन दे सकती हैं किसी ना किसी वजह से। स्ट्रेस रहता है माइंड के ऊपर भी, क्योंकि माइंड को भी इफेक्ट कर रही हैं ये लाइंस, और लाइफ लाइन को भी। तो लगभग यहाँ पर जो ये लाइंस हैं, जो स्ट्रांग लाइंस हैं, 30 के अराउंड एज तक दिखाई दे रही हैं, और उसके बाद कुछ हल्की लाइंस हैं, ये जो लास्ट वाली 3 लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी
या 40 की एज तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, कुछ स्ट्रेस रह सकता है, लेकिन उसके आगे अगर आप देखें तो कोई भी स्ट्रेस का मार्क नहीं है। आगे की लाइफ यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। और माइंड की लाइन को अगर देखा जाए तो काफ़ी शार्प माइंड है, लेकिन अगर हम इन लाइंस को देखें जो स्ट्रेस डाल रही हैं, इनकी वजह से थोड़ी सी परेशानी व्यक्ति को रह सकती है, माइंड अपसेट रह सकता है, थोड़ी सी तनाव जैसी सिचुएशन रह सकती है, क्योंकि स्ट्रेस लाइंस हमेशा व्यक्ति को किसी न किसी तरह का स्ट्रेस देती हैं। लेकिन यहाँ पर भी यह जो स्ट्रेस लाइंस हैं बहुत आगे तक दिखाई नहीं दे रही। तो ओवरऑल यहाँ पर कहना चाहूँगा कि लगभग 40 के बाद की जो एज है इनकी स्ट्रेस फ्री रहेगी, लेकिन उससे पहले हल्का फुल्का स्ट्रेस यहाँ पर इनको लाइफ में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल यहाँ पर फेट लाइन की हम बात कर ही चुके हैं, 36 के अराउंड यहाँ पर काफ़ी अच्छी जॉब या काफ़ी अच्छी इनकम नज़र आ रही है। 36 के बाद कुछ स्ट्रगल दिखाई दे रही है, कुछ अप्स एंड डाउन्स दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन की, तो आप देख सकते हैं लाइफ की लाइन यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग लाइफ की लाइन है, और इस स्ट्रेस के बावजूद जो हेल्थ है इनकी अच्छी रहने वाली है। और ओवरऑल जो अगर हम लाइफ को देखें तो यहाँ पर 80-85 के अराउंड इनकी एज मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी लंबी एज यहाँ पर नज़र आ रही है, कुछ इस तरह की लाइन इनकी। तो जो ओवरऑल इनकी एज रहने वाली है उसको मैं 85, अराउंड 85 कहना चाहूँगा। तो यहाँ पर एज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ वरी लाइंस हैं जो यहाँ पर नज़र आ रही हैं इनके वीनस माउंट के ऊपर, जिसकी वजह से लाइफ में कुछ वरीज रह सकती हैं। फाइनेंसिस की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का मनी ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फाइनेंसिस इनके अच्छे रहने वाले हैं। ओवरऑल थोड़ी सी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर मुझे इनकी लाइफ लाइन से दिखाई दे रहे हैं। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश रहती है कि सारे सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई सवाल रह जाता है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।